नमस्कार, मैं ममता चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर। आप सभी का स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इसमें हम चार पहलुओं पर गौर करेंगे। व्हाट इज सी, हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ सी, बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ सी, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम एंड लास्ट स्कोप ऑफ सी। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सी। सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1972 में डेनियस रिची ने AT&T बेल लैब में बनाया था। नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ सी। 1972 में डेनियस रिची ने AT&T बेल लैब में सी लैंग्वेज को बनाया था। इससे पहले इसके लिए बेस के लिए इन्होंने BPCL बी लैंग्वेज को काम में लिया था। ये चूंकि ये बी और BPCL लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है, इसीलिए इसका नाम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ा। सी ने इन्वेंट होने के बाद में बहुत सारे चेंजेस देखे। 1972 में सी को AT&T बेल लैब्स में डेनियस रिची ने बनाया था। 1978 में डेनियस रिची ने कर्निंगन नाम के साइंटिस्ट के साथ में मिलके K&RC बनाई। उसके बाद में ए सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। बाद में 1989 के अंदर इसको NC से सर्टिफिकेशन मिला। इसकी वजह से फिर इसका नाम NCC कहलाया। 1990 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे सर्टिफाई कर दिया। उसके बाद में इसका नाम ANSI ISO C पड़ा। 1999 में इसका एक न्यूअर वर्ज़न आया, फिर इसे C99। 2011 में जो वर्ज़न आया, फिर इसे C11। और 2018 में जो इसका लेटेस्ट वर्ज़न आया और इसमें जो नए इंक्लूजन्स हुए, इसके बाद में इसको C18 कहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि सी के इतने सारे वर्जन्स बनाए गए और जब ये 1972 में इन्वेंट हुई थी, उसके बाद भी ये आज तक 2018 तक काम में लिया जा रहा है, दशकों से इस लैंग्वेज के चले जाने का क्या रीजंस हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं, बेनिफिट्स ऑफ सी। मिडल लेवल लैंग्वेज। सी में कुछ फीचर्स तो हाई लेवल लैंग्वेज के हैं और कुछ फीचर्स लो लेवल लैंग्वेज के हैं। इस वजह से हम इसे हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज या मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र्स के लिए या प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्रामिंग करने में ईजी रहती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज होता है उसमें हम ज़्यादा डीप और अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सी में इन दोनों चीज़ों के फीचर्स है, इसीलिए हम इसे मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट फीचर है बिल्ट इन फंक्शन। सी में बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही बिल्ट इन होते हैं, जिस वजह से ये इसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज के नज़दीक बनाते हैं। सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि सी में जो कोड लिखा जाता है उनको ब्लॉक्स में या सेगमेंट्स में लिखा जाता है। इस वजह से इसमें से एरर फाइंड आउट करना, पढ़ने में ये बहुत ही रीडेबल होती है। एक ही कोड को हम बार बार काम में ले सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से ये बहुत ही एक यूज़फुल लैंग्वेज है।
अगला फीचर है हाईली पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है जब हम कोई प्रोग्राम एक सिस्टम के ऊपर बनाते हैं, उसके बाद में हम उसी प्रोग्राम को अगर दूसरे सिस्टम पे जाकर चलाते हैं और उसको चलने में कोई परेशानी नहीं आती है, तो ऐसी लैंग्वेज को हम पोर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं, और सी बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज हमेशा अपने साथ चलने वाली सभी लैंग्वेजेस से बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इन सभी फीचर्स की वजह से इतने पुराने समय में आने के बावजूद आज भी ही सी उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक सिंपल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिंपली एक वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सबसे अपर पार्ट है हैश इंक्लूड stdio.h, इसको हम हेडर पार्ट कहते हैं। यहाँ पर हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के साथ में अटैच किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और इन हेडर फाइल्स में दूसरे फंक्शंस की डिटेल होती है जिनको हम प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन होती है मेन फंक्शन की। हर प्रोग्राम में केवल एक ही मेन प्रोग्राम होता है, और कोई भी ऐसा सी प्रोग्राम नहीं हो सकता है जिसको हम बिना मेन प्रोग्राम के मेन फंक्शन के बना सकें। उसके बाद में आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम ये बताते हैं कि हम प्रोग्राम में आगे कौन कौन से वेरिएबल काम में लेंगे और उसमें किस प्रकार की वैल्यू हम डालेंगे। उसके बाद में आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम वो कैलकुलेशन लिखते हैं जो हमको अपने प्रोग्राम से करानी है, जैसे कुछ प्रिंटिंग कराना, कुछ कैलकुलेशन कराना, कुछ ग्राफिक्स बनाना, इस तरीके से। और नेक्स्ट पार्ट आता है रिटर्न पार्ट। रिटर्न पार्ट में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमको क्या रिटर्न वैल्यूज़ इस प्रोग्राम से चाहिए। अभी तक आपने देखा कि हम कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सी की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है, जैसे एजुकेशन में। आज भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है तो सबसे पहले उसमें सी का नाम आता है। सेकंड, इंजीनियरिंग में आज भी हम तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तीसरा, डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है क्योंकि हम इसमें बहुत डीप में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। रिसर्च में, साइंस फील्ड में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनको सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी रिसर्च में भी हम इसको काम में लेते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनकी जो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग होती है वो भी सी लैंग्वेज में की जाती है। आज हमने सी लैंग्वेज की बात की, उसके हिस्ट्री के बारे में बात की, ग्रोथ के बारे में बात की, सी के बेनिफिट्स को देखा, एक सिंपल प्रोग्राम को लिया और साथ ही सी के स्कोप को सीखा। थैंक यू।